नहीं होगी करण जौहर की पूछताछ। जी हाँ, क्या हुआ इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत चले जाने के बाद अब एक महीना हो चुका है, यानी 14 जून को यह हादसा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे लोगों के जो नाम है वो सामने आए थे और इसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर केस भी हुआ और बहुत सारे लोगों की पूछताछ भी हुई। लेकिन जो मामला सुशांत सिंह राजपूत का है, इससे जुड़े बहुत सारे लोगों की वहां पे पूछताछ हुई। इनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब करीब 35 लोगों की पूछताछ हुई। इनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि इनमें से किसी ने भी करण जौहर का नाम नहीं लिया है। जी हाँ, और उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि जो भी सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं उसके आधार पर हम किसी को वहां पे बुला नहीं सकते या फिर किसी की पूछताछ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जाहिर सी बात, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि वो करण जौहर की पूछताछ नहीं करेंगे। अब बात की जाए तो करण जौहर का नाम कैसे आया था, करण जौहर नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके का उनका एक स्टेटमेंट भी है और ये उन्होंने आज तक उनके जो है प्रोडक्शन के वो करते आए हैं। जी हाँ, अब इसमें कितना उनका हाथ था कितना नहीं था ये हम भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते, लेकिन लोगों का गुस्सा पूरी तरीके से करण जौहर पे है और उनकी फिल्में नहीं देखेंगे, इस तरीके के सारे जो स्टेटमेंट है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है करण जौहर के खिलाफ बोलने वाला या फिर कोई भी ऐसा सबूत, तो इसलिए हम उनकी पूछताछ नहीं करेंगे। अब इस पर क्या है आपका कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।